चिकन स्कैल्प बनाने के लिए 200 ग्राम चिकन, 2 चीज स्लाइस, 10 ग्राम पार्मा हैम, 5 ग्राम पीली शिमला मिर्च, 5 ग्राम लाल शिमला मिर्च, 5 ग्राम ब्रोकली, 5 ग्राम बटर मशरूम, 5 ग्राम जुकीनी, 5 ग्राम एस्परगस, 5 ग्राम टमाटर, 15 मिलीलीटर टमाटर प्यूरी, 5 ग्राम बेसिल, 5 ग्राम कटा लहसुन, 10 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल, सफेद मिर्च स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार। आइए बनाते हैं चिकन स्कैलप। जी, इसके लिए हमें पहले चिकन ब्रेस्ट लिए, इसको बीच में से सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, देखिए जी, ये बिल्कुल सिलेक्ट कर देते हैं बीच से, ये दो ऐसे पार्ट में कट जाती है जी। अब इसमें हमें स्टफ करना होता है, स्टफ करने के लिए स्टफ करने के लिए हम इसमें एक पामा हैम इज इम्पोर्टेड, यू कैन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं लोकल हैम भी, लेकिन हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है परमा हैम। ओके, और साथ ही साथ इसके साथ हम इसको बाइंडिंग के लिए चीज का इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर चीज मिलते हैं अलग अलग कंपनीज के, कोई भी आप इसमें कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पामेजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ स्लाइस अगर मार्केट में मिलती है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ईजिली मार्केट में अवेलेबल होती है इस तरह से इसको। और इसके बाद जो दूसरी जो हमने सिलेक्ट किया हुआ पार्ट है ऐसे इसको कवर कर देते हैं। ये हमारा चिकन स्कैलप स्टफ करके जिसमें चीज हमने हैम स्टफ किया ये तैयार है। तो अब हम शुरुआत करेंगे कुकिंग। अब हम इसमें कुकिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे ऑलिव ऑयल जी, हमने इसमें 10 ml, हम इसको वेजिटेबल्स के साथ पकाएंगे तो हम सबसे पहले इसमें वेजिटेबल डालेंगे, साथ साथ ही हम चिकन भी डाल देते हैं ताकि दोनों के दोनों जो है विद इन 7 to 8 minutes में कुक हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, हल्का सा सोते करेंगे इसको, जैसे ही ये हल्का सा सोते हो जाए तो इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अगेन एनी सीजनल वेजिटेबल्स जो भी हमारे पास सीजनल वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं। अभी आपने पहले ज़ुकीनी डाली है, येलो और ग्रीन ज़ुकीनी, साथ में हम डाल देंगे मशरूम, बटन मशरूम्स और बेल पेपर दोनों तरह के, रेड कलर का भी और येलो कलर भी। ओके, तो ये जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं सर, आपको जो भी वेजिटेबल्स आसानी से मिले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ब्रोकली डाली है और सबसे बाद में हम डालते हैं एस्पेरेगस, कुक करते हैं, साथ ही साथ हम इसको चिकन के साथ ग्रिल करते हैं, चिकन को भी ग्रिल करते हैं ताकि मतलब दोनों तरफ से कुक हो जाए। सब्जियां हैं वो भी पक रही हैं इसमें और साथ ही साथ इसमें चिकन जो है वो भी पकता चला जाएगा, तो दोनों ही काम साथ साथ हो जाएंगे। इसको हमें कुक करना है एक तरफ 2-3 minutes, फिर उसके बाद इसको टर्न करेंगे इसको पलटेंगे। ये देखिए कलर बहुत बढ़िया कलर आ गया है इसमें, इस तरह से 3 minutes के अंदर ही इस तरह का कलर इसमें गोल्डन कलर आ जाता है। अब हम इसमें बनाते हैं टमाटो सॉस, वो भी इसी में, इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे डाइस टमाटोज। ओके, हल्का सा इसको सोते किया, कुक करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं टमाटो प्यूरी। ओके, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिकन स्टॉक, या इसकी जगह हम डाल सकते हैं पानी भी। ओके, तभी हम पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन आप चाहें तो इसमें चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं। तो पानी डालते ही इसमें वेजीज के साथ ये क्या पूरा एक सॉस बन जाएगा। ये टमाटो है जो कि इसमें डाइसेज हैं, कुक होगा धीरे धीरे करके पानी इसमें, और वेजिटेबल जो स्टॉक इसके अंदर आएगा चिकन का, जो भी इसका जो ग्रिल करने के बाद जो जू निकलता है उससे अपने आप ये सॉस बन जाता है, तैयार हो जाएगी। तो सब कुछ इसमें डल चुका है, अब सिर्फ इसमें सीजनिंग की, अभी इसमें सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग के लिए थोड़ा सा सॉल्ट, हाँ जी, और वाइट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा चिकन कुक हो गया है, साथ साथ जो सॉस हमने बना रहे हैं ये भी लगभग कंप्लीट हो गया। आइए हम इसको प्लेटिंग करते हैं। ओके, so he's serving the chicken on the bed of vegetables जो भी हमने साथे किए, और on the top there will be sauce on it।
Okay, so we have tomato sauce, which is jo bhi banai gayi hai, that is coming on the top to give the complete flavor to the chicken. And is done? It's complete done. All right. So the Italian starter chicken scallops is ready. Kafi asaan si dish hai aur kafi, I would say it's a complete dish because you have veggies, you have chicken and you have the sauce on it. You can use bread and probably do it as a main course also, but it looks nice as a starter. Try kijiye ise ghar pe next time when you want to try something different as starter. Lekin usse pehle dekh lijiye ki isme kitni calories hain. Again, koi bhi step miss ho gaya to note kijiye iska chatpat sa recap. चिकन स्कैल्प बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट को बीच में से काटें। इसके बीच में चीज स्लाइस और पार्मा हैम डालें। एक पैन में थोड़ा तेल गरम करें, इसमें चिकन ब्रेस्ट को दोनों तरफ से पकाएं। साथ ही सभी सब्जियां पकाएं। कटे टमाटर और टमाटर प्यूरी में नमक और सफेद मिर्च डालकर सॉस तैयार करें। एक प्लेट में पकी सब्जियां रखें, ऊपर चिकन और ऊपर से तैयार सॉस डालकर सर्व करें।